पानीपत में रिटायर्ड कर्मचारी संगठनों की तरफ से गठित ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर कमिश्नरी स्तर पर धरने देने का कार्यक्रम शुरू कर रखा है। अपनी मांगों को लेकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी रिटायर्ड कर्मचारी ने पानीपत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य महासचिव दरियाव सिंह को अपना मांग पत्र सौंपते हुए समर्थन मांगा और मांग की कि उनकी पार्टी रिटायर्ड कर्मचारियों की मांगों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर रिटायर्ड कर्मचारियों को समर्थन करने की घोषणा करे। इस अवसर पर भाकपा की राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर भी उपस्थित थी। रिटायर्ड कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कामरेड दरियाव सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी रिटायर्ड कर्मचारियों की सभी मांगों का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हरियाणा में भाकपा रिटायर्ड कर्मचारियों की इन मांगों को अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल करेगी। ये जो रिटायर कर्मचारियों की तरफ से मांग पत्र दिया है CPI को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी लगातार कर्मचारियों के हक में, मेहनत कसों के हक में आवाज़ उठाती आ रही है। और ये चाहे हमारा पब्लिक सेक्टर को बढ़ाने में योगदान रहा हो, बैंकों के राष्ट्रीयकरण कराने में योगदान रहा हो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर लगातार इन सवालों को लेकर आंदोलन चलता रहा है। अखिल जो मांगे ये कर्मचारियों की पेंशन बहाली की बात है, इसमें भी हम लगातार जो है ना शामिल होते रहे हैं आंदोलन में। और मैं ये जो मांग पत्र आप लोगों ने दिया है, इस मांग पत्र को पार्टी की तरफ से, हरियाणा राज्य की तरफ से इसकी कवरिंग लेटर लगा करके सेंट्रल पार्टी को और राज्यसभा के हमारे जो नेता हैं बिनोय विश्वम उसको भेजेंगे ताकि वो पार्लियामेंट में भी OPS के सवाल पर और दूसरे सवालों पर उठा। पानीपत से कुलभूषण शर्मा की रिपोर्ट, युगमार्ग TV।